हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई हो आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि मेरे चैनल का नाम है जानवी टू व्लॉग, तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज का ये ब्लॉग है जो महालक्ष्मी जी की पूजा थी तो मैंने शूट किया है, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। और गाइस, मैंने थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इस चक्कर में थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ाई है। मेरा मोटिव ओनली आपको दिखाना था। तो सामने एक भाभी रहती है, मैं हम लोग उनके यहाँ जा करके हम लोगों ने पूजा की हुई थी, तो जिस तरीके से पूजा की है तो कुछ इस तरीके से की है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। सब लोग वहाँ पर, सब लोग इकट्ठा हो गए थे वहाँ पर, सब लोगों ने मिलजुल कर पूजा की हुई है तो इस तरीके से। और जो ये भाभी हैं ये ब्राह्मण हैं तो इनको सब कुछ आता है, और तो फिर हम लोग इन्हीं के यहाँ पूजा करते हैं। और संकल्प जो होता है वो ये छुटवा लेती हैं, और जो गले में धागा पहनने को देती हैं वो भी यही भाभी दे देती हैं, क्योंकि इनके जो पापा हैं वो पूजा करते हैं जाते हैं, तो उन लोगों ने, दादाजी ने हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बना करके रखा हुआ था जो पहना जाता है वो धागा, तो इन्हीं भाभी ने हम लोगों को दे दिया था। तो ये जो श्रृंगार है हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं, ये श्रृंगार बनाते हैं, तो वो श्रृंगार चढ़ा रहे थे कि देखो सबने के कौन कौन सी डिजाइन का बनाया था, तो बस वही सब एक दूसरे को दिखा रहे थे। तो इस तरीके से श्रृंगार चढ़ा देते हैं। ये बेसन का बनता है श्रृंगार, और सुरा बनते हैं, पपड़ियाँ बनती हैं, आशे बनती हैं। तो पपड़ियों के ऊपर जो दान दिया जाता है तो 40 मीठे दिए जाते हैं और 40 नमक के दिए जाते हैं। तो ये पपड़ियों के ऊपर रख के और फिर जो पंडित जी होते हैं उनको दान में दिया जाता है, कुछ उस पर पैसे भी रखे जाते हैं जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना। तो इस तरीके से ये दान में दिया जाता है। और इस पूजा में हाँ, सुरा और ये गोल गोल सुरा होते हैं, और गुजिया मैन होती है इस पूजा में, और इस पूजा में काले कचेरा भी चढ़ाए जाते हैं। तो फिर वो पूजा करने के बाद फिर सब लोग एक एक पहन लेते हैं उस कचेरा को। तो इस तरीके से हम लोग देखिए ये पूजा करते हैं, और बहुत अच्छी पूजा होती है। पूजा करते हैं तो सब अच्छा ही लगता है, उस पूजा में सब तैयार होते हैं अच्छे तरीके से। तो हम लोग सब लोग अच्छे से तैयार होकर के गए थे। मैंने साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, मुझे रेड चूड़ी पहनने की इच्छा थी तो मैं रेड चूड़ी पहनती हूँ इस तरीके से। देखिए कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ हम सब लोग हवन कर लेंगे, तो भाभी बताती हैं कि इसमें क्या क्या बोलना पड़ता है, तो वो बोलते जाएंगे तो हम लोग हवन करते जाएंगे। सब अपने अपने घर से ले आते हैं, फिर उसमें सब लोग मिक्स कर करके रख लेते हैं थोड़ा थोड़ा जितना रखना होता है सबको। मैं लेकर के गई थी अपना, सब लेकर के आते हैं इस तरीके से। यहाँ पे सुरा बहुत ज़्यादा हो गए थे और काफ़ी सारा प्रसाद बनता है, तो मैं ये डलिया पिंक कलर की जो दिख रही है मैं ये डलिया लेकर के गई थी, क्योंकि बहुत सारा प्रसाद हो जाता है तो सब इसी प्रसाद में डलिया से उनको जो देते हैं, तो काफ़ी सारा प्रसाद होता है तो उनको फिर देना भी पड़ता है ना। तो मैं डलिया के साथ दे रही थी तो वो कहते डलिया के साथ संकल्प करोगी तो डलिया भी जाएगी, तो फिर वो बन नहीं रहा था, तो फिर उन लोगों ने अलग से एक प्लेट में उसमें संकल्प करवाया हुआ था। इस तरीके से हम लोग सब लोग हवन कर लेते हैं और प्रसाद चढ़ा देते हैं। अच्छा लगता है गाइस, कोई भी पूजा पाठ करते हैं अच्छा लगता है। यहाँ हम लोग थोड़ी थोड़ी सी बात करते जा रहे थे, और बच्चे जो सारे थे वो अंदर वाले रूम में थे। और फिर यहाँ पे उनकी बेटी पोथी पढ़ देती है। ये कपूर पता नहीं कैसा था, वो काम नहीं कर रहा था तो इसलिए बार बार जला रहे थे कि कपूर काम नहीं कर रहा, या हो सकता है भाभी ने खुला रखा हो तो उसका जितना भी वो भी है तो स्मेल उसकी निकल गई है, जो भी है अच्छा नहीं था तो अच्छे से जल नहीं रहा था। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की जलाने की, फिर ऐसे थोड़ा सा जला, वैसे नहीं जला जैसे प्रॉपर जलना चाहिए था। ये कहो जल गया, तो इस तरीके से ये जलता है। और देखिए हमारे जो ये मिट्टी का हाथी ही शुभ माना जाता है इस वाली पूजा में, बोलते हैं मिट्टी का हाथी, कई लोग पीतल का भी लेकर के रख लेते हैं, बट इस वाली ये मिट्टी का शुभ माना जाता है तो मिट्टी का ही लेना चाहिए। पीतल का रख लेते हो ठीक है, वो आप पूजा करने के लिए रख लो कभी कभार, बट जैसे घर में रखते हैं पूजा स्थल में तो रख लो आप पूजा करते रहो, पर इस दिन मिट्टी का लो तो और अच्छा ही माना जाता है मिट्टी का हाथी। तो यहाँ पे ये पोथी को हम लोग टेक पूज देते हैं इस तरीके से, फिर इनकी बेटी पोथी पड़ेगी।
और अंदर रूम में सारे बच्चे खेल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे हाथ में चावल फूल ले लेते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ टीका लगाना सब भूल गए थे, आधे से ज्यादा पूजा हो गई थी और टीका नहीं लग पाया था, तो फिर भाभी सबको टीका लगा देती हैं इस तरीके से। देखिए फिर इसके बाद हम लोग आरती करेंगे पोथी के बाद। आई होप आपने ये मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। और ये मैंने कुछ पिक क्लिक की हुई थी तो ये इनको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है कि हम लोग इस तरीके से पूजा कर रहे हुए थे। तो अगर आप, मैं जाते जाते बोलूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के साथ कीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा मेरा ब्लॉग देख करके। और अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके लिए और ब्लॉग अच्छे अच्छे बनाऊंगी। तब जाती हूँ फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, लव यू, टेक केयर।